गाइस, इधर मैं आईफोन 8 प्लस का रिव्यू देने जा रहा हूँ। एक शॉर्ट रिव्यू होगा ये। मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी चल रही है, इसलिए मैं वीडियोस डाल नहीं पा रहा हूँ। ये एक 8 प्लस का मैं शॉर्ट सा रिव्यू दूंगा। इसमें मैं कैमरा को कवर नहीं करूँगा। कैमरा को देखना तो आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैं बाकी बेसिक एस्पेक्ट्स बताऊँगा क्यों इसको लोग आज भी लेना पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न यही हो सकता है कि ये फ़ोन एक बेसिक नेसेसिटीज़ को सब पूरा करता है। जैसे अच्छा कैमरा भी है, अच्छी डिसेंट बैटरी है, और नॉर्मल हर चीज़ नॉर्मल है, कोई ओवर द टॉप नहीं है। हाँ, कैमरा मैं कह सकता हूँ ओवर द टॉप है, बाकी सब चीज़ डिसेंट है। अभी अपडेट्स भी मतलब ठीक है, अभी फास्ट है फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 7 प्लस है, अब मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको लेने के लिए, क्योंकि वो अब थोड़ा सा स्लो हो चुका है। और कैमरा भी उसकी क्वालिटी जो है अब वो डे लाइट में तो अच्छी है, लेकिन इनडोर परफॉर्मेंस में नहीं अच्छी है। तो 8 प्लस उस मामले में अभी ठीक चल रहा है, और कब तक के चलेगा अपडेट्स ला के एप्पल, कब इसको स्लो कर दे, कोई भरोसा नहीं है। तो फिलहाल की बात करूँ, एक साल तक 2023 तक ये अच्छा चलने की उम्मीद है, तभी करके लोग आज भी इसको ले रहे हैं, और मेरे हिसाब से ले सकते हैं अगर आप हैवी यूज़र नहीं तो। बहुत ही एक अच्छा फ़ोन हो सकता है अगर आपको किसी पेरेंट्स वगैरह को ले कर देना है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन रही बात खुद के सेल्फ यूज़ के लिए, तो प्राइमरी फ़ोन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैवी यूज़र नहीं है तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत बेस्ट है। फ़ोटोज़ वगैरह खींचने का शौक है, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। और गेमिंग भी हो सकती है, इसमें अच्छी हो सकती है, इसमें गेम अच्छे चलते हैं, प्रोसेसर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। गेमिंग के लिए 8 प्लस बहुत ही अच्छा फ़ोन है। मैंने खुद 8 प्लस में इतनी ज़्यादा गेमिंग की है, कुछ कहने की बात नहीं। जब BGMI वगैरह नहीं आए थे, मैं PUBG मोबाइल चलता था, तब भी मैं बहुत खेला हूँ 8 प्लस में PUBG। और ये जो आपके सामने क्लिप चल रही है, मेरी बहुत पुरानी क्लिप है, और ये मेरा ही गेम प्ले है, मैंने आईफोन 8 प्लस में खेला हुआ है। तब मैंने आईफोन 8 प्लस में रगड़ दिया था बिल्कुल। हाँ, बैटरी थोड़ी वीक थी, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छा गेम चलता था। तो अभी भी मैंने चला के देखा है, बहुत अच्छा गेम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है सच। अगर आप हैवी यूज़र नहीं है, थोड़ा एक दो घंटा खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप PUBG वगैरह BGMI वगैरह खेल सकते हैं। ये मेरा उस टाइम का गेम प्ले है, और मैं बहुत खेलता था 8 प्लस में PUBG, पूरा चार्जिंग पे लगा के खेलता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका बैटरी इतना अच्छी नहीं है, तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपको फिर वो दिक्कत आ जाएगी कि अगर आप गेमिंग करेंगे तो बैटरी बहुत जल्दी जाएगी आपको। गाइज, मैं आपको एक चीज़ कवर करते हैं, जब मैं PUBG खेलता था तो मुझे 5 बार चार्जिंग लगानी पड़ती थी एक दिन में, विच इज़ वेरी आई थिंक अनयूजुअल। वैसे ओवरऑल ये फ़ोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नॉर्मल अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप डेफिनेटली इसको आज भी ले सकते हैं, और अगले साल तक ये चलेगा। 2023 में आप इसको ले सकते हैं। 2024 में मैं आपको बताऊँगा कि अब ये फ़ोन स्लो हो गया है या फिर नहीं हुआ है, वो मैं आपको ज़रूर आगे आने वाले टाइम में इन्फॉर्म कर दूँगा। 2023 में ये पूरा चलेगा, आराम से चलाइए इसको, 2024 तक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत नॉर्मल यूज़र हैं, ऐसी कंडीशन में मिले तभी लीजिएगा। और अगर आपको हमसे फ़ोन लेना है तो मैं आपको नंबर यहाँ पे लिख दूँगा, उस पर आप डायल कर लीजिए, और मतलब मैसेज कर लीजिए, डायल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं हम, तो हम आपको कोरियर सर्विस भी देते हैं, तो आप फ़ोन ये ले सकते हैं वहाँ से भी। तो मैंने भी मेरा जो भाई है उससे मैंने लिया है, तो कंडीशन बहुत अच्छी है फ़ोन की, आप जैसा देख सकते हैं। वैसे 8 प्लस बहुत मुश्किल से मिलता है फ़ोन, बहुत ही रेयर फ़ोन है, तो इस कंडीशन में अभी लिमिटेड स्टॉक ही है। फिर अगर आप आने वाले टाइम में 8 प्लस लेते हैं तो मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि ये इतने का ही मिलेगा। अब रही बात प्राइस की, प्राइस इसका है वही 15,000 से लेके आपको 15,500-16,000 तक मिल जाएगा। इतना ही प्राइस चल ही रहा है 8 प्लस का, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी, बहुत ही अच्छी कंडीशन है, ऐसा लगता है न्यू एप्पल। हमारे यहाँ से भी चाहे आईफोन 8 प्लस परचेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी मिला है ये रेड कलर का विद ऑल एसेसरीज़। इसका प्राइस बहुत ही कम रखा है हम लोगों ने, 14,000, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मार्केट में, क्योंकि ये रेड कलर है, इसका इतनी डिमांड रहती नहीं है, फिर इसीलिए हम लोगों ने इसका प्राइस थोड़ा सा कम रखा है बाकियों के मुकाबले। और बाकी इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि एक फ़ोन में आपको क्या चाहिए होता है, गेमिंग अच्छी हो जाए, बैटरी डिसेंट हो, कैमरा बहुत अच्छा हो, और वो सब आपको इसमें मिल रहा है। थोड़ा सा देखने में आपको लुक वो पुराना वाला मिलेगा, नॉच वगैरह नहीं है, बट वैसे ये फ़ोन एक कंप्लीट पैकेज है,
मेरे हिसाब से फैमिली के लिए, अगर मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया था यही फ़ोन, और मेरे हिसाब से फैमिली के लिए बेस्ट फ़ोन है आप किसी को अगर गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप खुद भी हैवी यूज़र नहीं है तब खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे गिव अवे के लिए बोल रहे हैं, भाई गिव अवे मैं कर दूंगा, अभी मैं कैसे गिव अवे कर दूं, अभी अब तो मेरे सब्स भी नहीं है कुछ, कहां मैं गिव अवे कर दूं, 600 सब्सक्राइबर्स में बांट दूं, 1000 सब्सक्राइबर्स हों एटलीस्ट, और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए।